हमेशा से
अगर ये कहा जाए कि आखिरी नबी दुनिया से चले गए तो ये तय है कि नबी दुनिया से चले गए, नबी का नुमाइंदा यकीन है आज भी बाकी है तो हुज्जत इलाही होंगे, उससे दुनिया खाली नहीं। इसलिए कि अगर दुनिया हुज्जत इलाही से खाली हो जाए तो ये सारा निजाम जिंदगी सिमट कर लिपट जाए और ये सारी जमीन का निजाम तबाह बर्बाद हो, जमीन में हुज्जत का वजूद गुजरती बस। चूंकि एक ही गुफ्तगू है, मैं कोशिश करूंगा कि शुरू जहां से कर रहा हूं मैं समेट भी दूं उसको कि परवरदिगार आलम ने जो उज्जत भेजी, खुदा कहता है कि हमने जब उज्जत भेजी का मंजूर दिया, मंजूर क्या आने हुदुल्लाह वजदने बताओ, पहले दिन से खुदा मत मुताल का पैगाम ये इबादत अल्लाह की शैतान से दूरी। ये तो बुनियादी तरीन उनसे हमेशा से परवरदिगार का नुमाइंदा हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर खातून नबियत हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कयामत तक इस किताब के अंदर जो परवरदिगार का हुक्म है वो ये अनअबुदुल्लाह वजतनिबुद्दाउ इबादत अल्लाह की हो और शैतान से दूरी, बस ये दोनों चीजें, यानी इबादत अल्लाह की तो जिससे मोहब्बत करेगा उसकी इबादत करेगा, जिसे तस्कीन करेगा जिसकी वलायत मानेगा। अगर मैं यूं कहूं कि तवल्ला और तवर्रा यानी शैतान से दूरी भी जरूरी है, खुदा और खुदा के नुमाइंदों की वलायत दिल में रखना भी जरूरी है, इसके बगैर दीन मुकम्मल एक बार दिखा कर रहे हैं शैतान को साथ मिलाकर तुम्हारी इबादत नहीं चलेगी। वो शैतान कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का इनकार कर रहा, लेकिन बात यह नहीं थी कि सजदे का इनकार किया, अरे इससे पहले तो दारो सजदे कर चुका, अच्छा उसके बाद खुद अहले बैत की रिवायत के अंदर मौजूद है कि शैतान कह रहा है इसके बाद इतने सजदे करने के लिए तैयार कि जमीन का कोना कोना सजदे बिखेर दे, लेकिन खुदा ने मुताल ने जुमला फरमा दिया, जवाब फरमा दिया कि हमें जाहिरी तौर पर सजदा नहीं चाहिए, वो सजदा चाहिए जिसे हमने तुमसे मांगा। क्या फर्क है? बस वही बात है जो मैं आने हबूदुल्लाह को बताना चाह रहा था, ये मिसाल से वाजे हो जाएगा। आने हबूदुल्लाह अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत नमाज बिल्कुल मेराज है, अल्लाह की इबादत रोजा बेहतरीन इबादत, अल्लाह की इबादत दीगर चीजें के जो परवरदिगार आलम ने हुक्म रखा था लेकिन क्या इन इबादतों को हम अपनी मर्जी से अंजाम देंगे अपने शराइत पर, या वैसी इबादत जैसी खुदा ने चाहिए वो इबादत इबादत कहलाएगी? बस जुमला ये कि अगर सजदा शैतान का सारी दुनिया में किया जाने वाला अगर खुदा ने कबूल कर लिया होता तो बात ये थी कि हम भी जैसी भी इबादत कर लेते परवरदिगार मान लेता। अगर सिर्फ इबादत नहीं चाहिए, सिर्फ अमल नहीं चाहिए, परवरदिगार आलम ने जुदा क्या फरमाया कि इबादत की कई सुमा होगी, इबादत मुझे वो चाहिए जैसा मैं चाहूं, वैसी नहीं जैसी तू चाह, जैसा शैतान चाहे। बस शैतान सजदा करने को राजी था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मारने से इनकार। मसला समझ में आया कि दो चीजों के अंदर इबादत को जो परवरदिगार चाहे अने अबुदुल्लाह वजदने बताओ, ताबूत शैतान सरकश और सरकशों का नुमाइंदा सबसे बड़ा सरबरा ताबूत, ताबूत वैसे माना इस्तेमाल होते हैं सरकशी के, लेकिन तर्जुमे के अंदर आमतौर पर कुरान में मिलेगा कि जो शैतान के माना ये इब्लीस उसके लिए कहा गया कि सबसे बड़ा सरकश तो कोई है कि जिसने पहली मरतबा सरकशी की, बस वो शैतान जिसने परवरदिगार की इबादत से मुंह और ऐसा सरकश बना कि फिर परवरदिगार से कहकर निकला कि अब तेरे हर बंदे को बहकाऊंगा मगर ये कि जो तेरा खालिस बंदा हो वो बच जाए, आपने हर व्यवहार इंसान को बहकाने की कोशिश करूंगा। बस परवरदिगार का कानून समझ में आया, एक है इबादत एक है शैतान से दूरी। इसका मतलब यहां से जुमला इस पैराए पे कहूं, यानी मुमकिन है कि कोई इंसान नमाज पढ़ रहा हो, मुमकिन
है कोई इंसान रोजा रख रहा हो, मुमकिन है परवरदिगार आलम की दीगर मुकर्रर करता इबादत को अंजाम देने वाला हो, लेकिन वो इबादत ऐसी हो जैसे शैतान किया करता, खुदा के यहां कबूल नहीं हो सके। अब परवरदिगार बयान करें कि वो इबादत कैसी खुदा चाहता है और किन चीजों के साथ परवरदिगार इबादत कबूल करता है, तो खुलासे का इंशाल्लाह आखिर में बयान करूंगा। लेकिन आयत यहां से आगे बढ़ती है, ये दो चीज इसके बाद परवरदिगार कहता है फमिन हुम मन हदल्ला, तो उसके बाद जब पैगाम हमारी जानिब से जाता है तो दो सूरतें नजर आती है, एक कि जो हिदायत कबूल कर लेते हैं जिन्हें खुदा हिदायत दे देता, फमिन हुम मन हदत अलैहिम दलाला, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन पर दलालत गुमराही सख्त हो जाती है, गुमराही की कड़ाई निकल जाए, बस होता क्या है। परवरदिगार आलम ने जब भी दीन और दीन के अहकाम अपने नुमाइंदे के जरिए से भेजे, वो भी इसी बारे में पेश करना चाहूंगा, एक मतलब सवाल है सरकशी की इंतहा कोई नहीं, फिर माशरा बुराई की तरफ बहुत सरकशी
फिर किसी के कंट्रोल नहीं है, फिर कोई ये कहे कि मौलाना आपके ऊपर से कही है, हम तो कहेंगे कहना हमारे बस में, इससे अलावा हमारे बस में आप बुजुर्गों को भी बात आप कहेंगे, हमारे बच्चों को समझा दीजिए तो आप समझा ही सकेंगे, इससे ज्यादा तो हम आप भी नहीं कर सकें। मसला यह है कि फिर वो खामी कहाँ है, ना दो फिक्रें चली परवरदिगार, मैं फिक्र की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, अगर बात वाजे होगी तो मैं इस बात को मुकम्मल करूँगा। परवरदिगार कह रहा है कि हमने पहले दिन से मजबूर यही रखा कयामत तक जाए, हमने अब्दुल्लाह वजदनी को दाऊद, अगर ये चीज पहले दिन से थी तो इंसानियत आज कितने हजार बरस की हो गई है, कोई काउंटिंग, कितने हजार बरस तो गुजर गए, यानी सिर्फ एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र पर परवरदिगार कहता है तकरीर का अरसा 950 बरस, यानी एक नबी की उम्र इतनी, दीगर अंबिया 1,24,000 अंबिया का दौर, आखिरी नबी के बाद फिर 1450 बरस गुजरने हैं, तो ये इंसानियत इतनी बड़ी हो चुकी, इतना तवील अरसा गुजर चुका हो, खुदा कह रहा कि हमारे आपकी जुबान की बात भी कि पहले दिन से हमारा मंसूर था, हमने आपको दूसरा वजह करी को ताऊ, फिर इंसानियत कहीं कहा कहीं सरकशी बाज होता है, परवरदिगार ने नतीजा बताया तो क्या का ये दो फिक्रें आप समझ गए कि एक तरबियत के अंदर शादी होती है कि तरबियत करने वाला अगर जबरदस्ती की तरबियत करे तो मसला आ सकता है, और अगर उसके जहन को बना दे तो मसला आसान हो सकता है, लेकिन उसका काम कितना है, जबरदस्ती कितना कर सकता है, कभी जबरदस्ती है, हम तो पैगाम पहुंचाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि मसला फकत वालिदैन का हो, मैं मिसाल बताता हूं कि वालिदैन की सख्ती की वजह से ही कोई बच्चा बिगड़ा, नहीं जरूरी ये नहीं, वालिदैन ने तो उसकी बेहतरीन तरबियत की, लेकिन बाज औकात कुछ और ऐसे अवामिल हैं जहां सरकशी कहीं और से भी पल रही होती है, और वो सरकशी इंसान को बेहतरीन माहौल के अंदर पलने के बावजूद गुनाहों और सरकशी और परवरदिगार के पास फिर रह जाता है, अब उसकी मिसाल तारीख अंबिया के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत नूह के घर में पलने के बावजूद कह रहा है बाहर हो जाएगा, परवरदिगार कह रहा है इन्नहु अमलुन गैर सालिह, कि अमल गैर सालिह करने वाला, यानी क्या हजरत इब्राहिम मासूम परवरदिगार के ऐसे बरगजीदा अंबिया में से, तरबियत तरबियत का खामी कोई नहीं, मसला यह है कि अंदर कबूलियत की जो सलाहियत होती है इंसान के अपने बाज किरदार ऐसे होते हैं कि सामने अगर सच्चाई नजर आ भी रही है तो मानना पता नहीं नजर नहीं आ रहा होगा, मानने में पता नहीं आ रहा होगा, इसलिए बाज चीजें इंसान के वफादार से टकरा रही होगी, बस यहां इंसान अपनी सरकशी के पर परवरदिगार ने क्या फरमाया बाज ऐसे जिनको खुदा हिदायत देता, फिर वमिनहुम मन हक्कत अलैहिम दलाला, से बात ऐसी होती है जिन पर गुमराही सब कर जाती है, वो अपने अमल में इतना इधर उधर निकल जाते हैं कि अगर तबलीग करने वाला पैगाम पहुंचाने वाला माँ बाप बेहतरीन साले तरबियत करने वाले हो तब भी वो अपनी सरकशी वो इंसान को उस माहौल से निकाल कर शैतान के दौर में ले जाती है, ये एक दो एक अब परवरदिगार ने ये दो ग्रोह निकल गए, इसका नतीजा मेरे बच्चे की मिसाल में दिया सरकशी जब आएगी तो होगा क्या, तो होगा ये कि इस अंदाज से वो सरकशी निकलेगी कि जिसके बाद चाहे पैगाम पहुंचाया बेहतरीन अंदाज से गया लेकिन उस सरकशी के आसार नजर आएंगे, तो जमाना है अंबिया देख लीजिए या जमाना है आखिरी नबी हजरत मोहम्मद
बस इस किरदार के बाद जो मुसलमानों के मुसलमान होने के बाद रिजल्ट्स आए किस हद तक, ये मुसलमानों के इस्लाम कबूल करने के इब्तिदा में पहली जंग बदर की जंग 113 मुसलमान, अगली जंग अहद की जंग तकरीबन 1000 के करीब मुसलमान, यह इस्लाम। अब ये वो दौर है कि जहां दूसरी हिजरी तीसरी हिजरत रसूल की जिंदगी के इख्तिताम के आखिरी तकरीबन 7-8-9 बरस, यहां सारी जिंदगी का निचोड़ मिल रहा है, यानी परवरदिगार पैगाम दे रहा है, देखो किसी को अगर अपना करना हो तो फौरन किसी चीज के रिजल्ट को एक्सपेक्ट मत करना, ऐसा ना हो एक दफा काम किया, दो दफा काम किया, एक बरस काम किया, दो बरस काम किया, रिजल्ट नहीं मिलना छोड़ दिया था, नहीं। देखो हमारे नबी ने, हबीब खुदा ने कितने बरस तबलीग की थी, तब जाकर ये इस्लाम दिलों में पनप पाया और ऐसा बनता कि जो दिलों में तबलीग के आसार इस अंदाज से बैठ गए, का इस अंदाज से बिठाए कि अब ये इस्लाम इस कदर दिलों में बिठा दिया गया कि अब कयामत तक तो रसूल के नुमाइंदे मुहाफिज रहेंगे, दीन इस्लाम कायम रहेगा। मुग़रक़ी हद होने वालों से डरा थी,
बरस बाद रिवायत का क्या जब इतना अरसा हो गया, इतना आजमाया गया मोमिनीन को कि जो नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे अदाब का इतनी तारीफ हुई कि जो मानने वाले थे सैकड़ों की तादाद में वो भी कम होते चले गए। क्या जब परवरदिगार अदाब इन पर नहीं भेज रहा तो हम कैसे ईमान मुनज़्ज़िल हुआ। वो जो आने वाला गैर का अजाब था, वो जो अमर इलाही था, उस गैर में जैसे जैसे ताखीर होती चली गई वैसे वैसे ईमान मुनज़्ज़िल होता चला गया। बस यही चीज, जहां गैर पर ईमान इंसान का पुख्ता न हो तो नतीजा क्या होगा? छठे इमाम इमाम जाफर सादत एक मकान पर का अच्छा क्या वहां रहता है, जब उस
मकान के अंदर क्या अल्लाह रहता है? नहीं, अल्लाह के रहने का मकान नहीं। तो जिस मकान में अल्लाह रहता भी नहीं, उसके जिस्म रखे तो रहे, मकान में तो वो मुकय्यद हो कि जिसका जिस्म हो, परवरदिगार में तो जिस्म नहीं, तो कहते हैं परवरदिगार रहमतां पर हो, हर जगह नमाज पढ़ो का नहीं। मैंने तो शुरू में कहा था इबादत वो चाहिए उस अंदाज से चाहिए जैसे खुदा चाहे, नस्बत दी है अपनी तरफ। अब ये मकान रहेगा मुझसे मंसूब, ये मेरे रहने का मकान नहीं, लेकिन मुझसे ऐसा मंसूब मकान है कि तुम्हारा रुख होगा इसकी तरफ, तुम्हारे सजदे होंगे इसकी तरफ, का इसकी इस मकान की तरफ सजदे करने वाला गैर की निगाह में अगर चे ये कहा जाए कि जिसे मारिफत ना हो वो करे तो समझ में आता है, वो सवाल करे तो समझ में आता है, इस चार दीवारी की तरफ रुख कर रहे हो क्या, इस काबे की इबादत करते हो? सारी दुनिया का मुसलमान यही जवाब देगा था, काबे की इबादत नहीं करते, काबा जिसकी तरफ मंसूब है उस रब की इबादत करते हैं, जिस रब ने हुक्म दिया कि ये काबा नस्बत रखता है मुझसे। बस हर इंसान की निगाहें, हर इंसान का क़याम, हर इंसान का रुकू, हर इंसान का सजदा है तकने की तरफ, लेकिन जो इंसान का दिल और इंसान की रूह है जब नियत करती है कि परवरदिगार इबादत कर रहा हूं तो काबे की नहीं अल्लाह अकबर कहकर इबादत शुरू करता। परवरदिगार इबादत तेरी है, तेरे हुक्म पर इसके सामने सजदा किया। बस जब सारी कायनात ने इसी अंदाज से सजदा सीखा तो जो शैतान ने किया था वो अमल की समझ में आया कि जो जाहिरी तौर पर एतराज करता हुआ नजर आया था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, जाहिरी तौर पर जबल का सहारा लेता नजर आया, और यहाँ जहां काबे की बात का इंसान जो मारिफत रखता होगा मुसलमान होगा वो ये नहीं कहेगा कि बात यह है कि काबे की बात का नहीं, काबे में उस निस्बत को देखकर जो परवरदिगार की तरफ पाई जाती है उस निस्बत में परवरदिगार आलम की इबादत की जाती है। समझ गए? अच्छा, इसके अलावा लेकिन मंसूब है हमारे नबी के साथ, इस पर कदम के निशान है मेरे हबीब बंदे के, मेरे खलील के। का अच्छा, सफा मरवा का, सफा मरवा तो पहाड़ियां थी, का सफा मरवा पहाड़ियां थी, लेकिन इन पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने वाली एक नबी की मां थी जो एक अपने कृष्णलब नबी की उस प्यास को याद करते हुए दौड़ रही थी। बस जब आखिर कयामत तक जितना हल होता रहेगा, ये सारे अरकान और इसके अलावा हजारों निशाने, कि जब तक हल होता रहेगा परवरदिगार हर मुसलमान की इबादत कबूल उस वक्त करेगा जब इन तमाम अरकान को अंजाम दे। कहीं ये एतराज नहीं कर सकता, कहीं किसी के पास गुंजाइश नहीं है कि ये तो फला नबी की याद में था, ये तो फला खातून की याद में था, वो नबी की वालिदा गिरामी की याद में था। नहीं, हुक्मे परवरदिगार है जो हमसे मंसूब हो जाए, हमसे मंसूब बंदे से मंसूब हो जाए उसे परवरदिगार एहतराम की निगाह देता है। बस यही तो बात है जो अहले बैत के दीन में आई कि जब निस्बत आती है अज़ा खाने की, जब निस्बत आती है आलम मुबारक की, जब निस्बत आती है ताबूत मुबारक की, जब निस्बत आती है ताज़िये की, तो ये तमाम वो चीजें हैं कि जो मंसूब है सैयदुल शुहदा के साथ, इन्हें देखकर याद याद सैयद शुहदा आलम को, देखकर याद अबुल फजल अब्बास, ताजिए को देखकर याद याद मासूमीन है। बस ये तमाम को यादें हैं, ये वो तमाम शहागिर हैं जिनकी नस्बतें ही तो पॉकेट से कटती हैं, सारी नस्बतें ही तो इनके हैं। बस परवरदिगार जब इन तमाम चीजों को कोई ये नहीं कह सकता, गैर कहे समझ में आती, अपना कहे तो दिल दुखता है कि मारिफत के बगैर अगर ये बात करे और इन चीजों पर एतराज करता रहता है, ताबूत तो खाली है तो ताबा भी खाली है, ताबूत खाली ये यादगार है उसकी के जिसका जनाजा ना हो सका, यादगार है उसकी जिसका जनाजा करबला के
एक पर तीन दिन तक पड़ा रहा खाने वाला तमाम किस्तों में ये आजादखाना ये तो आपने बनाया है नहीं ये आजादखाना जरूर है बनाया आपने जरूर है लेकिन निस्बत यह है यहाँ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का किया जाता है यहाँ पर मातम सैयद शहदा का किया जाता है यहाँ पर आजाद सैयद शहदा और वास्ती की मनाई जाती है बस इसलिए जमीन मुकद्दस करार पाती है इसलिए दरिया मुकद्दस करार पाती है आजाद मुकद्दस करार पाता है वो याद है कि जब अहले बैत का रुका हुआ काफिला जब शाम से रहा हुआ था उस रिहाई के बाद एक वक्त वो भी आया कि जब काफिला रवाना होकर उस मकाम तक पहुंचा था कि जहां दो रास्ते अलग हो रहे थे बीवियों की ख्वाहिश थी कि करबला में सैयद शहदा की कब्र की ज़ियारत की जाए बस काफिला करबला पहुंचा